अनुपमा शो में जब से माया छोटी अनु को अपने साथ लेकर गई है, तब से अनुज और अनुपमा के बीच दूरियां भी बढ़ गई है। अनुपमा ने माया के जाल में फंसकर छोटी अनु को अनुज से दूर कर दिया और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो अनुपमा से इस कदर नफरत करने लगा है कि अब उसे अनुपमा की खुशी भी नहीं देखी जा रही है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि धीरज और देविका अनुज और अनुपमा को शादी के बाद की पहली होली मनाने के लिए कहते हैं। वही अनुपमा उसे बताती है कि ये परी, अधिक और पाकि की भी पहली होली है, लेकिन उसके मुँह से ये बात सुनते ही अनुज का पारा चढ़ जाता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि शाह हाउस में होली का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहां अनुपमा कपाडिया परिवार के साथ होली सेलिब्रेट करने पहुंचती है, लेकिन अनुज नहीं आता है। अनुपमा भी इसी वादे से होली मनाने जाती है, क्योंकि धीरज उसे वादा करता है कि वो अनुज को लेकर आएगा। जब अनुपमा शाह हाउस पहुंचती है तो उसे एक सरप्राइज मिलता है। वो देखती है कि तोशु अब बिल्कुल ठीक हो गया है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। अनुपमा सबके साथ होली सेलिब्रेट करती है, लेकिन उसे अनुज और छोटी अनु की बहुत याद आती है। वो अपना दर्द छुपाने की पूरी कोशिश करती है और प्रार्थना करती है कि वहाँ अनुज भी आ जाए, क्योंकि ये होली शादी के बाद उनकी पहली होली होती है। दूसरी ओर छोटी अनु की याद में अनुज कपाडिया हाउस में उदास बैठा रहता है। वहाँ धीरज उसे अनुपमा के साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही आज के एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि होली सेलिब्रेशन में काव्या वनराज को छोड़कर अपने एक्स हस्बैंड अनिरुद्ध के साथ डांस करने लगती है, जिसके बाद वनराज आग बबूला हो जाता है। वो डांस के बीच से ही काव्या को घसीटकर कोने में लाता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। इसी बीच वहां अनिरुद्ध आ जाता है और फिर उसकी और वनराज की लड़ाई हो जाती है। वनराज अनिरुद्ध को याद दिलाता है कि उसे काव्या ने छोड़ दिया था, जिसके बाद अनिरुद्ध उससे कहता है कि अगर वो उसे छोड़ सकती है तो वनराज को भी छोड़ सकती है। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुज होली पार्टी में शाह हाउस पहुँचेगा, जहाँ अनुपमा को अपने परिवार के साथ खुश देखकर वो आग बबूला हो जाएगा। अनुपमा उसे रंग लगाने आएगी और वो तमाशा क्रिएट कर देगा। वो अनुपमा से कहेगा कि वो उसके और छोटी अनु के बिना काफी खुश है। अनुज के मुंह से कड़वी बातें सुन अनुपमा को बहुत बुरा लगेगा और वो बिखर जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी, मनोरंजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल एमजीपी डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें।